हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी लाई हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की, और वापी वीप वीप के न्यू क्रीम के साथ। यहाँ सबसे पहले मैंने स्टेबलाइजिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मैंने थोड़े से वाटर में जो है सोक करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट्स के लिए मैंने रेस्ट दिया इसको। और यहाँ पर जो मैंने 1/2 kg क्रीम ली है वीपी वीप की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की, जो न्यू फ्लेवर आया है, इसको हमें साइड से ओपन करना है, ताकि अगर हमारी क्रीम हमें जो सेव करनी हो तो इसी तरह हम बाकी क्रीम को कवर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, साइड से ओपन करने का ऑप्शन है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी सी आइस क्रिस्टल वाली क्रीम यूज़ करी है। उसका रीज़न ये है कि एक तो हमें आइसक्रीम बनानी है, इसलिए हमें जो है ना इतना प्रॉपर वे में जो है करने की ज़रूरत नहीं है वेप। और सेकेंडली हमें सॉफ्ट पिक ही चाहिए, और वेदर भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप जब भी क्रीम यूज़ करें थोड़ी सी आइस क्रिस्टल होने चाहिए, ताकि जब हम बीट करते हैं तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्रीम का, इसलिए आपकी क्रीम जो है इफेक्ट हो जाती है। तो आइस क्रिस्टल रखेंगे तो बेस्ट रहेगी। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने जो है कंडेंस मिल्क ऐड करा है, 2.5 टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करा है। और साथ ही साथ ये मैं होममेड स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो है मेरी यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जैम अवेलेबल ना हो तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रीम है इसका फ्लेवर ही ये बहुत अच्छा है। अब ये अच्छे से हमारे जो आइसक्रीम का मिक्सर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो हमने रेस्ट होने के लिए रखा था स्टेबलाइजिंग पाउडर को, ये देखें इसका बिल्कुल वाइट कलर है। अब इसे हम कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। और इसका जो कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद थिक भी हो जाएगा। और अब इसे हमें जो है ठंडा करना है, और इसके बाद हमें आइसक्रीम का जो पाउडर कहलाता है ये आप बेक हाउस से भी ले सकते हैं। अब इसको मैं आइसक्रीम के मिक्सर में ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे ये है कि हमारी जो आइसक्रीम है अच्छे से फ्रीज भी हो जाएगी, और बहुत अच्छा जो इसका टेक्सचर होगा, आइस क्रिस्टल भी नहीं बनते हैं, और आइसक्रीम जो है आपको बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। इसलिए मैं जब भी आइसक्रीम बनाती हूँ ये पाउडर ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब हमारा जो आइसक्रीम मिक्सर अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वाइट चॉकलेट चिप जो है ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप स्किप कर दिएगा, एयर टाइट बॉक्स में जो है आप डाल के रख सकते हैं। तकरीबन ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी आपकी आइसक्रीम जमती है। 8 to 10 आवर्स मोस्टली जो है आपकी क्रीम आइसक्रीम जो है अच्छे से फ्रीज हो जाएगी। ये देखें हमारी जो आइसक्रीम है अच्छे से फ्रीज हो चुकी है, और इसका टेक्सचर और आप देख सकते हैं लुक वाइज भी बिल्कुल जो बाज़ार की मिलती है वैसी ही आइसक्रीम बनी है। इसके अंदर कोई आइस क्रिस्टल और कोई हार्ड नहीं बनी है आइसक्रीम, और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिए करें मुझे। और आप कौन सी रेसिपी न्यू सीखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी जो है रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके लिए। ये देखें हमारी जो आइसक्रीम है बहुत अच्छे से, स्टेबलाइजिंग पाउडर हमने जो ऐड करा था उसका यही फ़ायदा है कि हमारी जो आइसक्रीम है बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगी। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो ये आइसक्रीम बहुत मज़ेदार लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।